बोले पार्ट और ठीक है। किसी और को डाउट है 55th में? मैं सिर्फ डी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपेयर, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। व्हेन दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व, तो 12,000 की, अभी जो हमने पूरे सारे की वैल्यूज की करी, सिर्फ 12,000 की एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। खत्म हो गया, अभी चल रहा है ना, अभी एक पॉइंट समझ आया क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट होगा, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा, करके दिखाऊं, इंपॉर्टेंट है ये तो, बोलो ना फिर। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1, वो चीज खत्म नहीं होती तो यार प्लीज, मतलब एक चीज क्लोज होने दो। तो ये तो कह रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ना, दूसरे का डाउट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमित और अनिल 2:1, कौन आया? अंकित फॉर 1/4 शेयर, कुछ भी मेंशन नहीं है। अंकित एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। गेन कौन कर रहा है? अब हमें चाहिए एक्चुअल गेन, हमें चाहिए एक्चुअल गेन, तो हम न्यू रेशियो निकाल देंगे, कर लेते हैं कैलकुलेट, 1/4 दे रहे ना, एक्चुअल सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें चाहिए, इसमें चाहिए एक्चुअल सैक्रिफाइस। अंकित को कितने मिल रहे हैं? 1/4 कौन दे रहा है? अमित एंड अनिल। अमित कितना दे रहा है? 1/4 का 2/3, और अनिल कितना दे रहा है? 1/4 का 1/3, तो 2/12, 1/12, ये इनका एक्चुअल गेन, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ना एक्चुअल गेन और एक्चुअल सैक्रिफाइस अभी यूज होगा, ये कैसे यूज होगा अभी देख लेना। जनरल रिजर्व कितना है? 12,000, दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर। अब एक एक करके बात करें अगर, तो अमित शेयर, अब एक ऑप्शन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अमित शेयर क्या हो जाएगा? 12,000 × 2/12, तो कितना हो जाएगा? 2,000। दूसरा कौन है? अनिल शेयर, कितना हो जाएगा? 12,000 × 1/12, 1,000। तो अगर पूरे से कर रहे हो तो एक्चुअल गेन एक्चुअल सैक्रिफाइस, अगर हम तीसरा पार्टनर कौन है? अंकित शेयर, 12,000 इज एडमिट फॉर 1/4, तो हम ये भी कर सकते थे कि पहले 3,000 निकालते कि वो उसका गेन है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1। एक्चुअल गेन और एक्चुअल सैक्रिफाइस से कर रहे हो तो पूरे 12,000 से करोगे, अगर आप गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल चुके हो सिर्फ उससे कर रहे हो तो डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो से हो जाएगा। एंट्री क्या हुई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की, एंट्री क्या हुई? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2, अमित्स कैपिटल अकाउंट 2, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अंकित कौन है? 3:1। अब 3:1 की अगर बात करें तो डेबिट हो रहा है, अंकित डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड पे आ जाएगा टू अंकित, टू अमित, टू अनिल। अमित क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय अंकित, बाय अनिल। नाम समझ आ रहे हैं ना, सारे एक जैसे लग रहे हैं, ये अमित है, ये अनिल है, ये अंकित है। कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, समझ आ गया? ठीक है, करेंगे अपने। अब ये फंड, हाँ मतलब वही मैं सोचा था कि ऐसा कैसे, कि जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, कि क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर मैं उसके कैपिटल को डेबिट कर दूं, अगर मैं उसके कैपिटल को डेबिट कर दूं तो उसकी कैपिटल तो हिल गई,
इफ ही वॉज सपोज टू ब्रिंग 1 lakh एज कैपिटल और जनरल रिजर्व में उन्होंने बोला दे डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द रिजर्व तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दूं तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो नए पार्टनर का फायदा हो गया, पुराने रिजर्व थे उसका बेनिफिट होगा तो वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। तो लेकिन अगर उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया तो उसकी तो कैपिटल कम हो गई, फिर उसको तो 1 lakh कैपिटल लाने थे, 1 lakh उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया ये 3000, तो उसके कैपिटल तो सिर्फ 97 रह जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही। तो सेम यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट नहीं डेबिट करना, अंकित का क्या करना है? करेंट अकाउंट। सेम लॉजिक जो गुडविल का होता है ना, कि अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे भी अगर रिजर्व ऑल्टर हो रहे हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर को जो न्यू पार्टनर अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर रहा है उसके तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर न्यू पार्टनर गेन कर रहा है और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास हो रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट को ना डेबिट करके करेंट अकाउंट करना। कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, वो कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे नहीं कर रहे, आप प्लीज हर जगह अप्लाई करना सिर्फ न्यू पार्टनर के लिए, सिर्फ न्यू पार्टनर के लिए, कि जब जब अगर किसी एडजस्टमेंट एंट्री में वो डेबिट होना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा उसका, करंट अकाउंट डेबिट होगा। इम्पोर्टेंट 55।